टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में मेबेलिन के फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन होगी उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो डालूंगी उसे सबसे पहले आप अपने फोन पर देख सकोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में है यहाँ पर मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है देखने में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये मुझे किसी भी तरह के कार्डबॉक्स में या फिर डब्बे में पैक करके नहीं मिला था, ये मुझे खाली इसी तरह से पंप वाली बोतल में मिला था। एंड कांच की ये बोतल है, इस तरह से आप देख सकते हैं कांच है ये। एंड जो इसकी कैप है ये प्लास्टिक की है। सो गाइज, मैंने इसे पर्पज से परचेस किया है एंड मैंने इसके साथ में काफी सारा सामान परचेस किया था, उसका हॉल भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड पर्पल वालों का जो बॉक्स आता है उसी में मुझे काफी सारे सामान मिले थे, उसी के साथ में मुझे ये पैक करके मिला था। सो अलग से इसका कोई कार्ड बॉक्स नहीं मिला था। बात करते हैं इसके ऊपर क्या मेंशन किया गया है। मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन नॉर्मल टू ऑयली स्किन फिट मी फाउंडेशन। सो आप देख सकते हैं ये सभी चीजें इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन की गई है। एंड जो ये कांच की बोतल है ये ट्रांसपेरेंट है, सो आप इससे अपना प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का शेड भी देख सकते हैं। सो मेरा जो फाउंडेशन है इसका शेड नंबर है 115 इवोरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है इसका शेड नंबर। एंड काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत कांच की ये बोतल है, बट अगर ये हाथ से जरा सी भी छूट गई तो ये एकदम से टूट जाएगी और आपका फाउंडेशन एकदम से वेस्ट होने वाला है। सो बहुत ही संभालने वाली चीज़ है, बिकॉज प्लास्टिक की नहीं है कि आप इसे अगर एक बार आपके हाथों से छूट भी जाती है तो बच जाएगी, बचेगा नहीं, टूट जाएगा। सो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। 549 रुपीज इसका प्राइस है, 30 ml इसकी क्वांटिटी है, 3 ईयर इसकी सेल्फ लाइफ है। सो काफ़ी है इसकी सेल्फ लाइफ इसकी क्वांटिटी के हिसाब से। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई ऐसा फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं जो कि आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग हो, वाटर प्रूफ हो, एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपको हल्का सा ड्राई लग सकता है, बट अगर आप इससे पहले काफ़ी सारा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट समर सीजन में, विंटर्स में तो ये आपके फेस को एकदम से मैट तो ड्राई कर देगा। सो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई करे, क्रीम अप्लाई करे, जेल अप्लाई करे, या फिर अपने फेस पर लाइक फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, कुछ भी वो अप्लाई करते हैं ना, तो समर सीजन में तो उनका पूरा का पूरा मेकअप बह जाता है। ऑयली स्किन वालों के फेस से एक्स्ट्रा ऑयलनेस जो निकलता रहता है उसकी वजह ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके फेस पर कुछ भी चीज सूट नहीं कर पाती है। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मुझे ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा लगा, बट इसके ऊपर ये चीज़ मेंशन भी की गई है। फिट मी फाउंडेशन में आपको 18 शेड मिल जाते हैं, आप इसमें अपनी स्किन टोन के हिसाब से शेड चुन सकते हैं। अगर आपका स्किन टोन भी मेरे स्किन टोन से मैच करता है तो आप ये वाला शेड ले सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है। एंड गाइस, मैंने इसे पर्पल से परचेस किया है। सो अगर आप इस फाउंडेशन को परचेस करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक डाल दूंगी, सो आप उस लिंक के थ्रू इस फाउंडेशन को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं, आपको ये लोकल मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा। जैसा आपको कंफर्ट लगे आप इसे वैसे परचेस कर सकते हैं। बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसे मैंने खुद के पैसों से परचेस किया है एंड मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिला, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ में इसे शेयर कर रही हूँ। वाटर प्रूफ है एंड अगर इसकी लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो लगभग 10 से 12 घंटे तक ये आपके फेस पर आराम से टिका रहेगा, आपको टचअप देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से टिका रहेगा। अगर आपको लगे लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद कि आपके फेस पर थोड़ा सा कम कवरेज दिया है इसने, तो आप इसकी डबल लेयर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी पैची नहीं लगने वाला है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। आप इसे अपने फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से, मेकअप ब्रश से, जैसे आपको कंफर्ट लगे आप इसे वैसे ब्लेंड कर सकते हैं। एंड इस तरह से ओपन होगा ये, आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर ये कैप दी गई है एंड पप दिया गया है इसके साथ में। सो ये चीज मुझे इसकी काफी अच्छी लगी, इसके साथ में इस तरह से पंप दिया गया है एंड आप इस तरह से इसका पंप दबाएंगे और ये प्रोडक्ट इस तरह से निकल करके बाहर आएगा। सॉरी, मेरे हैंड पर जो है ये काजल के निशान है एंड मैंने अभी अभी काजल का वीडियो बनाया है। सो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लीज चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपने इस वाले मेकअप लुक की भी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है ये वीडियोज़।
सो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर की चेकआउट जरूर कीजिएगा। एंड गाइस मैंने जो ये अभी मेकअप लुक किया हुआ है ये इसी फाउंडेशन के साथ में किया हुआ है, सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे कितने इजी ये ब्लेंड हो जाता है एंड हाई कवरेज फाउंडेशन है। आपकी अगर शादी होने वाली है और आप न्यू ब्राइडल है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपनी मेकअप किट में इस फाउंडेशन को ऐड कर सकती हैं। एंड अगर आप एक टीनेजर्स हैं तो भी आप इस फाउंडेशन को ऐड कर सकती हैं। इस फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद आपको कंसीलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये मैट लुक देता है तो आपको कॉम्पैक्ट लगाने की भी इतनी कुछ खासा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अदरवाइज आप अपने मेकअप को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट का यूज़ कर सकते हैं, बट इसी से काम चल जाएगा आपका, आपको इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कॉम्पैक्ट की यहाँ पर। फाउंडेशन के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, बिकॉज एक तो ये बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाता है तो आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। अगर आप एक कॉलेज गर्ल भी हैं तो भी आप इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं, एंड अगर आप एक टीनेजर्स हैं तो भी आप इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं, बिगनर्स है तो भी इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही ईजी ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छे से आप इससे अपना बेस मेकअप तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का पार्लर चलाती हैं और आपको ब्राइडल के लिए कोई अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो भी आप इस फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस एक बात और, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेकअप को करने के बाद में जिनका मेकअप काला पड़ जाता है तो वो इस फाउंडेशन को ले सकते हैं, बिकॉज ये हाई कवरेज फाउंडेशन है। एंड अगर फिर भी आपका मेकअप थोड़ा सा आपको पैची लगे, काला लगे, तो आप इसकी डबल लेयर अप्लाई कर सकते हैं, आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं मैं इस मेकअप के साथ में जो मैंने ये मेकअप किया हुआ है वो इसी फाउंडेशन से किया हुआ है, एंड इस मेकअप के साथ में मैं काफी देर तक बैक टू बैक वीडियोस बनाऊंगी, सो मेरा मेकअप बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ेगा। एंड गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे का भी यूज नहीं किया है। अगर आप इस फाउंडेशन को यूज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा लगा। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।